फिल्म बहुत अच्छी लगी मुझे, काफ़ी फिल्म अच्छी है, डायरेक्शन बहुत तगड़ा है, नागेश्वर जी का बहुत प्यारी फिल्म बनाई है। और ऐसी फिल्म मतलब काफ़ी टाइम बाद मतलब बनी है, मुझे लगता है पहली बार बनी है। जिस तरह से महाभारत का कॉन्सेप्ट आया है उसमें अश्वत्थामा जी का कॉन्सेप्ट था और कृष्ण भगवान का और ये सब पूरा अर्जुन का कॉन्सेप्ट था, मज़ा आ गया पूरा यार। दमदार दमदार दमदार, अमित जी का काम बहुत सुपर है और प्रभास और दीपिका मैम का तो है ही तगड़ा, उसमें मेरा दोस्त भी है चंद्रमोहन पतला सा बनता है, बहुत तगड़ा काम किया उसने, मज़ा आ गया। हाँ 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 हाँ, बड़ा 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 बहुत दमदार दमदार, बहुत अच्छा काम किया, बहुत दमदार दमदार काम किया उन्होंने, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है नागेश्वर जी ने। और सबको फिल्म देखनी चाहिए, बहुत प्यारी फिल्म है और इंटरवल के बाद तो और मज़ा आ गया, मतलब यूँ मान लीजिए आप तीन। या थैंक यू सर, मज़ा आया मूवी देख के, लाइक बहुत मज़ा आया। Prabhas has done a very good job, but the movie highlight is going to be Amitabh Bachchan sir. Amitabh Bachchan sir ne bahut acha kaam kiya hai ye movie mein, like unke actions and all sab on point hai. That is okay, like wo nahi rehta to bhi aisa kuch value add on nahi kar raha tha. Actually action karte hue bhi nahi nazar aayi hai, bas wo aisa laga ki unka part nahi rehta, that is also fine. Fired off. अच्छी लगी, अच्छी लगी, बेस्ट परफॉर्मेंस, एकदम अच्छी थी। पार्ट टू के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। दिशा पटानी की परफॉर्मेंस अच्छी थी, खासकर मुझे प्रभास के परफॉर्मेंस अच्छे लगे, 10 out of 10। इट्स अ फैबुलस परफॉर्मेंस, सबके बहुत ही अच्छे थे क्योंकि सभी एवरग्रीन एक्टर्स हैं तो सबने अपना 100% दिया है। एक्चुअली उनके हार्डली 2 या 3 सीन होंगे, लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो सभी के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे। सबसे ज़्यादा अगर सीन है पूरी फिल्म में तो अमित सर के हैं, और ये आई थिंक ऑब्वियसली ये सीज़न 1 है और आई थिंक 2, 3 भी आने वाले हैं, तो इस सीज़न में अमित सर के सीन सबसे ज़्यादा, उन्होंने अपना 100% दिया है। क्योंकि अभी जितना बॉलीवुड का ये वो जितनी बातें सुनने में आती है, बॉलीवुड अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया का प्राइड है, और इंडियंस को ये फिल्म इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत मेहनत करके ये फिल्म बनाई गई है और सेकेंडरी के हॉलीवुड को टक्कर दे सकती है फिल्म। 4.5 बहुत अच्छी थी, आप मुझे घर जाने देंगे? बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छी है, मतलब महाभारत से स्टार्टिंग लाइनअप है एंड उसी के आगे एक्सटेंड किया है। दिस इज़ अ 1 पार्ट ऑफ अ सीरीज दैट वुड बी कमिंग, so this is just the beginning of the series. बहुत अच्छी थी, मतलब एक्टिंग वाइज तो बहुत ही अच्छी मूवी है। VFX आई वुड से 4 out of 5 बॉलीवुड के हिसाब से बहुत मतलब अच्छे हैं, मतलब एज कम्पेयर टू मतलब इंडियन मूवीज, बट हाँ ऑफकोर्स हॉलीवुड लेवल पर नहीं है, बट हाँ काफ़ी अच्छे हैं। बहुत छोटा सा कैमियो है मैम, बहुत ही छोटा सा कैमियो है, इट्स लाइक दैट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस। क्या मूवी को आई थिंक 4 out of 5 BGM सॉन्ग्स इफ यू आस्क मी 5 out of 5 यार फिल्म बवाल थी सीरियसली। मैं अमिताभ बच्चन के लिए आया, मैं अमिताभ बच्चन फैन हूँ हर मैं कुछ मुझे कुछ 18 साल हो गए अमिताभ बच्चन के फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हुए, और सिर्फ कोविड में 2 फिल्में चूँकि जो OTT पे रिलीज हुई वो नहीं देख पाया, बाकी सारी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी है मैंने। भाई साहब मज़ा आ गया, मैं सोया नहीं हूँ पूरी रात भर मैम, और इसलिए नहीं सोया हूँ क्योंकि कहीं 8 बजे से पहले वो छोटा सा सीक्वेंस, और अच्छा ही हुआ क्योंकि स्टार्टिंग पार्ट में अमिताभ बच्चन को महाभारत का सीन जो रिवील किया है जिस तरीके से, आई नो कि VFX का बहुत सहारा लिया है सारी चीज़ों पे, बट वो जवानी का एक बुढ़ा, अब क्योंकि अमिताभ बच्चन बूढ़े हो चुके हैं, हम लोगों ने हमारे पिताओं ने देखे उनको जवानी के उसमें, हम लोग तो बहुत बड़ा एक्साइटेड था जब ट्रेलर आया और दिल खुश हो गया। और मैंने 4 दिन पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो टिकट बुक कर ली थी ऑनलाइन मैं और मेरे दोस्त के साथ, और जब आया तो मुझे बड़ा सरप्राइज मिला। आज भी भागते भागते आया, दुआ कर रहा था कि कहीं गीले ना हो जाए, हो भी जाएंगे तो देखेंगे। और फिल्म की जहाँ तक बात की जाए तो फिल्म का बेस बहुत सिंपल है, वो आप ट्रेलर में भी देख चुके हैं कि किस तरीके का है, बट उसको क्रिएट किस तरीके से किया गया है, आप बैठते हो फिल्म देखते हो तो क्या एक्सपीरियंस करते हो, वो एक अलग जॉनर है, वो एक अलग 3 घंटे का। सबसे बड़ी बात मैडम ये कि हमारे गुरु भाई बोलते हैं कि फिल्म लाइन के कि फिल्म बनाना अच्छी बात है लेकिन बुरी फिल्म बनाना महापाप है इस लाइन के लिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट जो है वो थिएटर से या किसी भी
टीवी या फिल्म से एंटरटेनमेंट की पहली उम्मीद होती है और वही अगर चूक जाए तो इसमें 3 घंटे 1 सेकंड भी मुझे बोर नहीं किए, सिवाय और दिशा पटनी के साथ में एक सॉन्ग आता वो थोड़ा सा लगा, बाकी 3 घंटे बिल्कुल बोर नहीं हुआ। एक एक सीन पे इतनी मेहनत की गई है, आप चाहे VFX देख लो, चाहे जो प्रॉप्स, जो 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 चीज़ें डिटेलिंग पे बारीकी से बारीकी उन्होंने मेहनत की है वो सारी दिखती हैं यार। एक छोटा सा हाँ बैकग्राउंड सॉन्ग ही आता है और उसमें, लेकिन उस सॉन्ग पे कितना खर्चा किया गया है यार, आप सेट्स देखो कितने, और CGI का कितना अच्छा इस्तेमाल किया गया है, VFX सारी चीज़ों का इतना बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया, लगता ही नहीं है कि साली ये हमारे यहाँ के मेकर्स ने बनाई है। बट अब सीरियसली अब समय आ गया है कि हम भी उस टेक्नोलॉजी पे उतर गए हैं धीरे धीरे। लोग बोल रहे थे ट्रेलर जब आया था कि ड्यून और स्टार वॉर्स से है, मतलब है इस तरीके की, तो भैया जब फिल्में बनती थी तो एक हीरो एक हीरोइन होती थी, तो इससे हर देश में यही होती थी सारी चीज़ें, तो कॉपी कर लेते थे, सिनेरियो है सारी चीज़ों को उस तरीके से बिल्डअप होना है, तो वो चीज़ थी। बट मेरे को अमिताभ बच्चन को देख के मजा आया, मैम अगर हो तो मैं पप्पी ले रहता यहाँ पे। दिशा पाटनी का रोल बीच में से गायब हो जाता है यार, वो ना उनको कत्ल करते हुए दिखाया कि भैरवा फिर एंग्री हो जाता है जो कॉमिक था स्टार्टिंग में, बाद में उसकी गर्लफ्रेंड को मार देते, तो वो थोड़ा सा वो एकदम से पता नहीं क्या उसमें क्या उनको कैद करके रखा है, जो भी वो शायद सेकंड पार्ट में हो सकता है रिवील हो, बट जितना भी था अभी तक के उसमें खामियां बहुत सारी हैं, लेकिन हम खामियों को क्यों देखें, हम तो हमारी खूबियों को देखें ना साला, गर्व करें। हॉलीवुड की खामियां कोई नहीं देखता, महा बकवास फिल्में वहाँ पर भी बनी हैं, लेकिन उनकी मैं बोलूँगा तो बहुत गलत बोल दूंगा, लेकिन हाँ हम वहाँ की जो पॉटी को भी हम ना आइसक्रीम समझते हैं और यहाँ की जो अच्छी आइसक्रीम उसको भी गलत समझते हैं, तो वो बहुत चीप मेंटेलिटी है। हम अपनों अपने घर वालों को गालियाँ देते हैं लेकिन दूसरों को वाह वाह करते हैं, तो वो गलत बातें हैं। मुझे तो तारीफ ही करनी है यार, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया।